श्रीमती अनीता बदेल जी, हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और पार्टी के हमारे महामंत्री भाई ओम प्रकाश जी भड़ाना साहब, पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुंगेर जी दादी जी साहब, हमारे अजमेर के जिला अध्यक्ष भाई देवी शंकर जी, यूथ बोर्ड के चेयरमैन और प्रदेश के मंत्री भाई भूपेंद्र सैनी जी, हमारे बंसावली बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र जी राव साहब, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे जिले के नेतागण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजारी और बुजुर्गो, नौजवान दोस्तों, मेरी सभी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं सभी केकड़ी वासियों को हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का पूजन करता हूं। मित्रों, मैं केकड़ी पहले भी आया था, एक कार्यक्रम में आया था, उस समय कुछ मांग मेरे से की थी और आपने देखा होगा आपके विधायक जब मेरे को मिलते थे वो नंगे पैर मिलते, मैं कहता था अरे काम तो हो जाएगा लेकिन आप इस तरह से क्यों। तो देखिए उनकी भी कितनी सुविधा केकड़ी के लिए, उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरा रोड तो हो जाएगा लेकिन मैं जब तक उनसे वादा किया है जब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, जब तक मेरा वो रोड नहीं हो जाएगा। ऐसा विधायक और हमने भी सोचा कि जिस तरह की प्रतिज्ञा राजनीति के क्षेत्र में होती है, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ऐसे नेताओं ने जिन्होंने सिर्फ खाली घोषणाएं की थी, जिन्होंने गरीब कटरों के नारे दिए थे, जिन्होंने जनता के बीच में जाकर के वादे किए थे लेकिन उन्होंने उन वादों को पूरा नहीं किया, जनता के बीच में और नेता के बीच में अविश्वास पैदा करने का काम जिन लोगों ने किया, ऐसे उन कांग्रेस के लोगों को आप परिमान जानते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद राजनीतिक नेताओं को भी बदलने को मजबूर किया और राजनीतिक पार्टियों को भी बदलने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि आपने बताया देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक में कांग्रेस के लोग हमें छुपे वादे करते हैं और चुनाव से पहले अगर मैं बात करूं तो हमेशा ये झूठे वादे करते हैं, जनता के बीच बगड़ाने का काम करते हैं। इन्होंने अगर इस देश में भ्रष्टाचार और प्रदेश में भ्रष्टाचार पैदा करने का काम किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया। माने में अगर हम कह सकते हैं ये कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमने आपके बीच में आए क्या गरीबी में भी आया था, मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो मांग है निश्चित रूप से हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं हमारी सरकार में नए बजट को आप देखा है जो हमारा नया बजट आया है, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने एक नया अध्याय बनाने का काम किया है और हमने कहा कि हमारे जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए हैं हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, हमारा जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहता है, जनता ने किए हुए वायदों को हम कहना चाहते हैं कि उनको ध्यान दिलाते हुए हम एक एक वादे को पूरा करेंगे। और आपने देख लिया होगा कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये आपने जो बजट लाए ऐसा लग रहा है कि ये तो चुनाव का बजट है, अब तो कोई चुनाव भी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों ने विधानसभा में उनको कहा कि हम
नहीं जाते हैं, जनता के उन कामों को जिनको हम कह करके आते हैं उनको हमारी सरकार कराने का काम करती है, क्योंकि वो लोग कैसे नहीं करते हैं, चुनाव आते हैं घोषणाएं कर देते हैं, चुनाव के बाद क्या होता है आप सभी ने देखा है। उन्होंने कई वादे किए थे, मेरे युवाओं को ध्यान होंगे, मेरे किसानों को भी ध्यान होंगे, ज्यादा मैं इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि वो तो है ही ऐसे, ज्यादा जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आप इतना कहना चाहता, हमने क्या भी नहीं करिए, क्या भी नहीं करिए, बदल के राजस्थान के लोगों को सर्वांगीण विकास के लिए नया अध्याय जोड़ने का काम किया है। हमने कहा है कि राजस्थान आने वाले समय में समृद्धियों को छुएगा, एक मजबूत राजस्थान बनेगा, एक विकसित राजस्थान बनेगा। यही मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आप एक लीजिए हमारी जो घोषणा है उनको देखेंगे, हमारे काम को देखेंगे तो राजस्थान का आम गण आपको हो जाए। हमारा एक केंद्रीय विधानसभा के लिए हमने कितने काम स्वीकृत किए हैं, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने केंद्रीय जिले के सर्वांगीण विकास के लिए बजट में जो घोषणाएं दी है, पहली घोषणा मैं आपको बताना चाहता हूं 650 करोड़ रुपए से जो सबसे बड़ी मांग थी आपकी, नसीराबाद सरवार के लिए देवनी सड़क को 4 लेन बनाने का, ये 650 करोड़ रुपए का पूरा काम के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से विजयनगर पट्टी माता जी का घेरा और देवरिया का सड़क का निर्माण कराने का काम हमने इस बजट में किया है। 20 करोड़ रुपए से मालपुरा रीडरियम माधोराई खेत निवास देवगांव वगैरह नसीबा देवी तक सड़क चौड़ाई करने का काम इसको भी हमने हाथ मिला है। 25 करोड़ रुपए से सामरिया झांडी देवर लम्बा हरि सिंह सड़क मार्ग का काम करने का काम किया है। 15 करोड़ रुपए से एक नसीराबाद सावर के उन्नयन का कार्य भी हमने हाथ में लिया है। 10 करोड़ रुपए की लागत से एक रामधरा नेगरिया देवरी सड़क का भी काम हमने लिया है। प्रदेश में बनने जा रहे 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस का लाभ भी एक ही की जनता को मिलने वाला है। करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से बियास पानोदिया देवरिया धनौ केरोड़ सड़क मार्ग का सड़क का कार्य एवं खाड़ी नदी पर हाई लेवल ब्रिज बनने का काम भी इसमें किया जाएगा। हम 24 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से भड़ौली से केकड़ी के बीच बांसु गांव के नजदीक पेयजल पाइपलाइन का कार्य भी कराने का काम करेंगे। 5 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से भड़ौली केकड़ी कोयला एवं नसीराबाद को बांस को डबल फिल्टर करके उसका ट्रांसफर सिस्टम लगाने की कार्रवाई उसे हम करने वाले हैं। इस बजट में स्कूल और कॉलेजों के उन्नयन के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए, उसका विस्तार के लिए, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। इसमें शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना आसान होगा, लोगों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण इसकी सुविधा मिलेगी। एक दिन में पूर्व संचालित आयुर्वेदिक होम्योपैथिक और यूनानी मंत्रालयों को जिला आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। केकड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सा में क्रमोन्नत किया जाएगा। मोर के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक सूत्र में केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। केकड़ी के जिला अस्पताल में भवन निर्माण कराया जाएगा। सामुदायिक चिकित्सालय बिना की बेड क्षमता 50 की जाएगी, उसकी बढ़ा करके बेड क्षमता 50। शिक्षा के क्षेत्र में किए जाए निवेश से हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। नए महाविद्यालय
को ही उनके क्षेत्र में भेज दिया गया और 13 तारीख को हमारे सभी लोग जितने भी हमारे मंत्री जो वहां के प्रभारी हैं उन सभी मंत्रियों को भी हमने 13 और 14 तारीख को वहां के जिले में भेज दिया, जिससे काम की रूपरेखा ठीक प्रकार से बन पाए, हमारा काम प्रारंभ हो पाए, जिससे कि जनता को उसका पूरा का पूरा लाभ मिल सके। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भाई और बहनों, हम सबने जो मन में विचार किया है हम उसको पूरा करेंगे। 15 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ ली थी, हमने आपके बीच में कहा था कि हमने अगर हमारी सरकार आएगी तो कांग्रेस के समय में जो पेपर लीक हो रहे थे, 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे, और हमने आपके बीच में कहा था कि ऐसे लोगों को किसी कीमत पर नहीं रख सकेंगे। 16 तारीख को हमने एसआईटी के दिन की और आज 110 से भी ज्यादा ऐसे माफियाओं को गिरफ्तार करने का काम हमारी पुलिस ने किया है, यह हम आपको बताना चाहता। हमने कहा आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश वाला आ रहा है, हरियाणा से कोई पड़ोसी प्रदेश से आ रहा है, तो राजस्थान में क्योंकि वहां तो भाजपा की सरकार थी, गुजरात हो एंड को उत्तर प्रदेश हरियाणा सब के भाजपा की सरकार थी, वहां से कुमार थे, राजस्थान को सर्वस्थली बना लेते थे। हमने कहा हम एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाएंगे और हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाई, तो आपने देखा होगा देश से ही नहीं दुनिया में जहां भी बैठा है मां से भी ऐसे लोगों को कैद करा रहे और सलाखों के पीछे बंद करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने कहा था कोई भी गैंगस्टर राजस्थान के अंदर आएगा नहीं, अगर गलती से आएगा तो वापस जाएगा नहीं, ये हमने कहा है। मित्रों में आपने देखा होगा हमने कहा था कि हम आरसीपी को लेकर के आएंगे 2 महीने के अंदर में, क्योंकि हमारी सरकार 15 दिसंबर को बनी थी, 27 जनवरी को हमने मध्य प्रदेश राजस्थान और केंद्र के बीच में समझौता किया कि हमारे 13 जिले जो भी जीत रहे हैं उन 21 जिलों में पीने को भी पानी मिलेगा और हमारे 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा, वो हमने करके दिखा दिया और आने वाले समय में उसका शिलान्यास भी होने वाला है। और एक और मैं कहना चाहता हूं कि शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी मोदी जी करेंगे और शिलान्यास भी मोदी जी करेंगे। मित्रों हमने आपके बीच में कुछ वायदे किए, हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी और किसान को सम्मान निधि देने का भी काम करेंगे। आपने देखा होगा टॉप की धरती से 29 जून को किसानों को सम्मान निधि देने के लिए हमारी पहली किस्त 65 लाख किसानों को 650 करोड़ देने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं हमने कहा था सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 15% बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ाने का काम किया, हमने 1,000 से 1,150 किया और झुंझुनू की धरती से हमने 88 लाख हमारे इस मतों को बुजुर्गों को दिव्यांगों को 1,037 करोड़ रुपए देने का काम एक नहीं किया। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो हमने वादा किया है एक एक फायदे को हम पक्का करेंगे। मेरे साथ युवा साथी आते हैं कहते हैं कि साहब ये तो कभी जगह नहीं निकाली, बार बार ऐसा ही होता है। हमने युवा साथियों से कहा है हमारी विधानसभा चल रही है, आप तैयारी करिए, इसके बाद जगह ही जगह मिलेंगी आपको, राजस्थान निकालेगी जगह निकालेगी और हमारे युवाओं को पूरी तरह से मौका देगी, पूरी तरह से मौका देगी। हमने कहा कांग्रेस के लोगों ने जगह थी आप कैसे कर सकते हैं, हमने कहा जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी जिसका
भी काम करेंगे। मित्रों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने देखा हमारा कार्यकर्ता जो गांव में बैठे, चाहे हमारा बूथ का अध्यक्ष, चाहे हमारा शक्ति केंद्र का संयोजक, हमारे मंडल का पदाधिकारी है, मंडल का अध्यक्ष है या मोर्चो के कार्यकर्ता है, वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में बात रखते हैं। अगर वो भी आप सुनने करके आएंगे सारे तरह के रोड काम ऐसा होगा जो होने वाला होगा। हमारे प्रतिनिधि है, चाहे वो हमारे विधायक है, सांसद है, चाहे हमारे पंचायत समिति के सदस्य है, प्रधान है, कोई भी अगर वो कहेंगे तो हम जनता के बीच में रहकर के उन कामों को करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी पार्टी जो जनता के लिए समर्पित भाव से काम करती है। और यह सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि आंदोलन के जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, जब तक वो खड़ा नहीं होगा मेरा देश और प्रदेश समृद्ध नहीं हो सकता। मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम भी इस प्रदेश का जागरूक नागरिक है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे कोई व्यक्ति को हम समाज के अंदर, मेरे गांव में हो, मेरी ढाणी में हो, मेरे मोहल्ले में रहता हो, मेरे अपार्टमेंट में रहता हो, जो ऐसे लोग हो जिनको केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ से वो जीवन उसका अच्छा बन सके, उसका योजना का लाभ बन सके। हम सबको और योजनाओं का लाभ देने के लिए भी हम लोग पर रहना है, क्योंकि उस व्यक्ति को पूरा लाभ मिले और लाभ मिल करके उस मुख्य धारा में वो व्यक्ति जुड़ सके। हमारा कोई दुख भाई भी हो सकता है, हमारी बूढ़ी माँ भी हो सकती है, मेरा पड़ोसी भी हो सकता है, और योजनाओं का लाभ पहुंचने का काम आप भी करें, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। एक बात अंतर और कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, हम सामाजिक प्रकार के काम भी करते हैं। आपने देखा होगा 2014 में जो हमारी सरकार बनी थी, देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था, गंदगी का जो आलम रहता था उन्होंने सबने झाड़ू लेकर के लाल किले से प्रारंभ किया, और आप देख रहे हैं स्वच्छता के लिए आज कितना बदलाव हुआ है। आप अपने घर में, परिवार में, मंत्र को लेकर के सभी को देख रहे हैं जिस तरह का काम हुआ है। इसी तरह से आपने देखा हो हमारा लेकिन बाद में महिला और पुरुष में अंतर था, हरियाणा में उसकी संख्या सबसे कम थी, इसलिए माननीय सचिव प्रधानमंत्री जी ने पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हरियाणा से दिया था, और उस नारे से आज आप देख रहे हैं उसमें समानता आई है। लेकिन पर कितना समानता की आप सबने देखा है, और अभी अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण को लेकर के आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम। मैं आप सभी से यह कहना हम सबका दायित्व बनता है कि राजस्थान का पर्यावरण अच्छा रहे, मेरे जिले का पर्यावरण अच्छा रहे, मेरे गांव का पर्यावरण अच्छा रहे। हम सबको शपथ लेनी है, हम सबको जाना है, और एक पेड़ मां के नाम लगाना है, ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी लोग अनुभव कर चुके कि 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, देश के अंदर जो बदलाव आया है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो या विकास की योजनाएं हो या सीमाओं की सुरक्षा हो, देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के सचिव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपको देखने को मिला होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम भी एक नागरिक है, विशेषकर युवाओं से कहना चाहता हूं जिनको 18 साल के होते हैं उनको मत देने का अधिकार मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सोचने का भी एक मौका है, आप कर्तव्यों को करने का भी एक मौका है कि हम देश के बारे में, समाज के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में सोचे और इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाने में हम जनता का भी सहयोग करें और हमारे पर्यावरण को बचाएं। इस तरह
मदन गौतम जी को एक बार जोरदार थप्पड़ बजा के जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दीजिए आपके लाडले विधायक जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शत्रुघ्न जी को कि जब भी मेरे पास आते तो कहते हैं मेरे कि भाई साहब मैं मिलना चाहता हूं, काम कुछ नहीं। मैंने कहा हाँ जी, लेकिन जब जाते हैं दो चार पांच कागज लिए बिना नहीं जाते, केवड़ी की जनता का कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। मैंने कहा शत्रुघ्न जी बहुत सुझा रहा हूं, मिलने का सबसे गवर्नमेंट का कहते हो आते हो, लेकिन केवड़ी की छत्ता आपको इतनी लगी रहती है कोई ना कोई पेपर नया पेपर लेके आते हैं, बस यही काम रह गया है। और धीरे धीरे आपने देख लिया चार काम के लिए कहा मैंने, और इसमें 17 काम तो हो गए, और अभी भी कल भी लेके गए मेरे को ये भी और काम है। मैंने कहा भाई अभी रुकी है, इतनी जल्दी मत करिए आप। इस तरह से हमारे वो है कन्हैया लाल जी, वो भी यही काम करते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, हमारी वरिष्ठ भाजपा नेता हमारी बहन अनिता जी बैठी है, लामबा जी बैठे हैं, कि हमारी सरकार ने जो आप वायदा किया है, हमारे जो पहले को संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वायदा किया है, उस वायदे को तो पूरा करेंगे ही। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम जनता के पक्ष में रहते हैं, जनता के कामों को देखते हैं। आप चिंता मत करिए, निश्चित रूप से हमारे सभी जनप्रतिनिधि आपके बीच में रहेंगे और समस्याओं का मिलकर करके समाधान करेंगे। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी ने जो मेरा मान और सम्मान किया, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को दिल की गहराइयों से मैं बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। और जो उन्होंने आज मेरे को बताया, मैंने कहा जिला तो छोटा है लेकिन 3000 यूनिट डोनेट किया है ब्लड में, बहुत धन्यवाद। हमको भी देना चाहता हूँ और इसलिए भी देना चाहता हूँ मैं गया तो हमारे